स्वच्छता अभियान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश भर में प्लास्टिक त्यागने का अभियान चलाया है। इसे प्रेरित होकर बुधवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी दशहरा मिलन समारोह के मौके पर बहुत ही किफायती दरों पर कागज और कपड़े की थैलियों का विक्रय किया। दरअसल मौका दशहरा मिलन समारोह का था। इसी को ध्यान में रखकर सांसद शंकर लालवानी ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ अपने निवास पर शुभकामनाएं देने आए अतिथियों को प्लास्टिक का प्रयोग त्यागने का संकल्प दिलवाया और कागज और कपड़े की थैलियों को बेहद किफायती दरों पर वितरण भी किया। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने सांसद और महिला पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल दिल्ली में द्वारका में दशहरे के अवसर पर रावण दहन के अवसर पर ये कहा था कि जिस प्रकार बुराई से अच्छे की जीत का प्रतीक है, तो हमारे देश में भी जो बुराई है उससे आज दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने वहाँ देश के सभी लोगों से आह्वान किया कि इस प्रकार का जो पर्यावरण को सुधार के लिए गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिस प्रकार उन्होंने कहा कि फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग का त्याग करना है, और उसी को देखते हुए पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया। हम इंदौरवासी हमेशा स्वच्छता में नंबर वन रहे हैं और प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक में भी इंदौरवासियों ने पहले से ही अभियान शुरू कर रखा है और ये अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने देखा है कि इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग बंद सा हो गया है और आज दशहरे पे माननीय प्रधानमंत्री जिनसे आह्वान किया उसी के अनुरूप हम सबको आज जो भी दशहरे पे शुभकामना देने आ रहे हैं उन सबको शुभकामना लेते हैं। मिठाई खिलाते हुए एक हम कपड़े की थैली भी दे रहे हैं। थैली का शुल्क तो वैसे 5 रुपये है, लेकिन सबकी ऐसी भावना थी कि हमारे साथ एक थैली हम 5 रुपये की लेंगे और एक थैली हम दूसरों को भी, जो निर्धन लोग हैं उनके लिए भी हम एक थैली प्रोवाइड करेंगे, ताकि बस्तियों में भी जो गरीब लोग हैं थैली नहीं खरीद सकते उनको भी कपड़े की थैली होना चाहिए घर घर में। तो ये लगभग 3000 थैली बांटने का अभियान आज जो हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभियान को लेके हमारे सभी माताओं बहनें आप देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, इन सब में बहुत उत्साह है। तो निश्चित तौर पर इंदौर में पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चल रहा है उसमें हम फिर नंबर वन आने की संभावना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का है, मोदी जी का, और हमारे सांसद महोदय शंकर लालवानी जी ने भी उसको बहुत ही हाथों हाथ ले लिया है। इंदौर की जनता भी इसको बहुत स्वीकार कर लेती है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी इस अभियान को, शंकर भैया से बात करके थैलियां उपलब्ध करवा के इस अभियान को और जोर शोर से आगे बढ़ाएगा। पूरे वार्ड स्तर तक इस अभियान को हम चलाएंगे।